हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी दीपावली और मेरे नए यूट्यूबर फैमिली को भी हैप्पी दीपावली मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं और शुरू हो रहा हमारा किचन से, और किचन में बन रहा है खाना क्योंकि आज दीपावली है। और तो आज के दिन हमारे यहाँ खीर बनाई जाती है, अठावरी उतारी जा रही है जो गाय माता को दी जाती है, तो वही हम बना रहे हैं। खीर तो हमारी लगभग बन चुकी है और सब्जी बना रहे हैं हम, पेठे की सब्जी। तो खीर तो मेरी ये तैयार हो रही है यहाँ पे, बस कुछ देर में, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और हमने ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल दिए हैं और सब्जी मेरी नीचे बन रही है। चलो सब्जी भी दिखाते हैं, सब्जी भी आज मस्त वाली है। ये बना रहे हैं हम मीठा पेठा, अजू की बन रहा है कढ़ाई में। और हमारी सब्जी भी लगभग बनने ही वाली है और हम लगा लेते हैं आटा इतने पूड़ियों का। पहले निकाल लेते हैं अठावरी जो होती है वो देसी घी में निकाली जाए बनाई जाएगी, और फिर बाद में हम पूड़ी चाहे देसी घी में बनाएं चाहे किसी में भी बनाएं, वो आप उसकी इच्छा है। तो हम आटा लगा लेते हैं, सब्जी हमारी लगभग बनने वाली है और इसको हम बनाएंगे मीठा पेठा। मीठे पीठे इसलिए बनाएंगे क्योंकि पूड़ियों के साथ तो वही अच्छा लगता है और बच्चों को भी पसंद होता है। और उसमें मैं थोड़ा गुड़ डालूँगी, थोड़ी चीनी डालूँगी, दोनों मिक्स करा के बनाती हूँ। और तो आज दीपावली के दिन पे हमारे यहाँ पे मतलब हम ही बनाते हैं, घर पे मिठाई बनाते हैं, और कुछ तो मेरी सासू जी ने बना ली है और कुछ जो है वो मुझे बनानी है। तो वो मिठाई हम बनाएंगे दोपहर को, पहले हम खाना वाना तैयार कर देते हैं क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाएगी और काफ़ी टाइम हो रहा। और पहले और क्योंकि अठावरी निकालनी है तो पहले गाय माता को पूजी जाएगी, जब ही किसी को मिलेगा बाद में तो अब हम ले आते हैं। और फिर शाम को दिए भी भिगोने हैं, अभी दीवे भी लगाने हैं शाम के लिए, तैयार करने हैं बत्ती उत्ती बना के, तो वो सब आज मैं आपको दिखाऊंगी। और तो अब मैं पहले खाना बना लेती हूँ, मिलते हैं बाद में। और मेरी तरफ से एक बार और हैप्पी दीपावली मेरे पूरे परिवार को। पूड़ियों का हमने एक छोटा पहाड़ बना लिया है, ये देखो। तो अब हम पूड़ियाँ बनाना बंद करते हैं क्योंकि ये सब ने खा लिए हैं, और जिन्होंने नहीं खाई है उनकी मैंने बना कर रख दी। और मुझे अब कुछ और भी काम करना है। तो मैं अब इसमें मिक्सी का में पिसी हुई ये इलायची पाउडर डाल दूंगी इसमें एक छोटा चम्मच। और ये मिठाई मैंने जन्माष्टमी पे भी बनाई थी, अब मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ। और इसमें हम ये नारियल का पाउडर है, बड़ा कटोरा। और अब इसमें हम मावा मिला लेंगे, मावा थोड़ा ना ज़्यादा भुन गया है, इस हमारे ज़्यादा रेड हो गया, ब्राउन हो गया। और ये वाइट पे पड़ रहा तो और ही ज़्यादा काला।
हम सब सर्दी सर्दी ये लगे रहेंगे हमारे पर्दे, क्योंकि गर्मी में इनको उतार उतार देते हैं। क्योंकि बैक साइड यहाँ पे एसी लगा हुआ है तो उसकी हीट के लिए फिर ये दिक्कत करते हैं। तो अब हम दीपावली पे इन्हें हर साल लगा देते हैं, हर साल के बाद में उतार देते हैं जब सीजन शुरू होता है उसका एसी चलाने का, तो तब इनको उतार कर देते हैं। अब हमने लगा दिया है, अभी सारी सर्दी आराम से लग जाएंगे, सुंदर सा बन गया है। तो चलो हम अपना काम कर लेते हैं, ये इनकी बत्ती बना लेते हैं। हमारा मंदिर है प्यारा सा, जो हमने सजाया है चुनमुन ने, और अब चुनमुनी दिए सजा रही है और तन्नू फूल कर रही है। पंडित ऐसी रहा है, और एक यहाँ बैठी है अभी अभी भाषा नहीं दे रही है हमें। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एक कारण बतलाइए मुनियों की, यह बात सुनकर श्री संत कुमार बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग नियमन सुना रहते थे, यह यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, अंत उसने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए। जब 100वां यज्ञ करने की उसने तैयारी की तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और सोचने क्या धूम धाम हो रही है, झिलमिल झिलमिल हो रहा है भाई दीपावली। मन्नू यहाँ क्या उड़ा रहा है, ये कौन सा वो है, स्काई स्काई, मेरे को बोलना ना आता ना, स्काई कैंडल,
स्काई कैंडल, उड़ने वाली कैंडल भैया, उड़ने वाली कैंडल। देसी हैं हम, देसी में गांव के हैं, हमें इंग्लिश में नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं इसको, उड़ने वाली मोमबत्ती। दिखा टॉर्च में, दिखाओ मुझे। तो इसे हिला तो मैं मत, हवा चल रही है बहुत बढ़िया, उड़ेगी, जल जाए बस एक बार। दोस्तों ये जिसके पास भी आवे ना बता देना। हाँ। बस जल तो गई। अरे हिला मत यार, यार वो हवा से हो रही है, मतलब मैंने हिला दी। छोड़ के देखो मम्मी, छोड़ दो ऊपर, क्यों करता है? आइए जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, 5,000 हो गए हमारे। ओए यार जल्दी से या टाटा, बाय बाय। हमारी दिवाली का सारा काम खत्म हो गया है और हमने सबको मिठाई उठाई भी दे दी है, सबके घर प्रसाद पहुंचा दिया है और हमारा खाना पीना भी सब हो चुका है और रात के 11:30 का टाइम हो चुका है और बम पटाके सब चला रही है। वीडियो में आपको सब मिलेगा देखने के लिए, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और छोटे बड़ों का सबका ध्यान रखना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो हमारा दिवाली का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं मेरे परिवार की तरफ से और मेरे पूरे YouTube फैमिली को, की परिवार वाले परिवार को दिवाली के ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।